और अगली खबर इटावा से। वहां पर एक बार फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली की कलई खोलकर रख दी। जब एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार वाले स्ट्रेचर पर लटाकर जिला अस्पताल से बाहर ले जाते दिखे, क्योंकि जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला का एक्सरे करने से मना कर दिया गया था और अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को बाहर से एक्सरे करवाने के लिए कह दिया, लेकिन ना तो बुजुर्ग महिला के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद ये मजबूर परिवार इस बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर सड़क पर भटकता रहा। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद इटावा के सीएमओ ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देखिए कैसे बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेकर परिजन भटकते रहे इटावा में। और अगली खबर इटावा से। वहां पर एक बार फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली की कलई खोलकर रख दी। जब एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार वाले स्ट्रेचर पर लटाकर जिला अस्पताल से बाहर ले जाते दिखे, क्योंकि जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला का एक्सरे करने से मना कर दिया गया था और अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को बाहर से एक्सरे करवाने के लिए कह दिया, लेकिन ना तो बुजुर्ग महिला के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद ये मजबूर परिवार इस बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर सड़क पर भटकता रहा। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद इटावा के सीएमओ ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देखिए कैसे बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेकर परिजन भटकते रहे इटावा में। और अगली खबर इटावा से। वहां पर एक बार फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली की कलई खोलकर रख दी। जब एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार वाले स्ट्रेचर पर लटाकर जिला अस्पताल से बाहर ले जाते दिखे, क्योंकि जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला का एक्सरे करने से मना कर दिया गया था और अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को बाहर से एक्सरे करवाने के लिए कह दिया, लेकिन ना तो बुजुर्ग महिला के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद ये मजबूर परिवार इस बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर सड़क पर भटकता रहा। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद इटावा के सीएमओ ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देखिए कैसे बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेकर परिजन भटकते रहे इटावा में। और अगली खबर इटावा से। वहां पर एक बार फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली की कलई खोलकर रख दी। जब एक बुजुर्ग महिला को उसके परिवार वाले स्ट्रेचर पर लटाकर जिला अस्पताल से बाहर ले जाते दिखे, क्योंकि जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला का एक्सरे करने से मना कर दिया गया था और अस्पताल प्रशासन ने परिवार वालों को बाहर से एक्सरे करवाने के लिए कह दिया, लेकिन ना तो बुजुर्ग महिला के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी और उसके बाद ये मजबूर परिवार इस बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेटाकर सड़क पर भटकता रहा। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद इटावा के सीएमओ ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। देखिए कैसे बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर लेकर परिजन भटकते रहे इटावा में।